हमारे कद में रामपुर से रामपुर के जिलाध्यक्ष सम्मानित परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के चरणों में फिर पुनः एक बार दंडवत महाराज जी और सबको बहुत बहुत भावना के साथ सहनाम भवतु सहनाम भवतु शावेयं करवामहे तेजस्विनावधि तमत्कुमार दुगावहे ओम शांति 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 सुशांतिर भवतु सर्वा अरिष्ट शांतिर भवतु कल से कलश यात्रा की आज समय शुरुआत हो रहा है देवचरा में, लेकिन चूंकि हमें ये लगा कि आज ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना ही चाहिए, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना तो ठाकुर जी के मेरे ऊपर कृपा करने वाले नहीं है, इसीलिए आप लोगों का आशीर्वाद लेने चला आया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा आप सभी लोगों का दर्शन करके। मन मैं डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, आज कार्यक्रम जो है क्या है प्रदेश के महामंत्री का डॉक्टर के पास ब्राह्मण सभा का है, और आज हम लोगों ने यहाँ संभव जागृति के नाम से एक संगोष्ठी रखने का कार्य किया है। इसका विषय है राष्ट्र उत्थान ब्रह्म समाज की भूमिका, क्योंकि चूंकि समाज हमारा जो है बहुत सारी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहा है इस समय, तो उसमें हमारा जो ब्राह्मण समाज है किस तरह से समाज को और राष्ट्र को उत्थान देगा, कैसे समाज को तरक्की देना, इस तरह का कार्यक्रम रखने का नया प्रयास किया। आज पहली बार बरेली की धरती पर संजय भैया जोशी जैसी जो शख्सियत है, जिसको सभी जानते हैं कि पूर्व में आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व प्रतिनिधि आपके घर पर रहा है, और संजय भैया जोशी के नाम के साथ ही एक प्रखर व्यक्तित्व और प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति का चेहरा हम लोगों की आंखों में पहुंच जाता है। ऐसा व्यक्ति पहली बार बरेली की धरती पर उसका आशीर्वाद हम लोग यहाँ प्राप्त होगा, और जो ब्रह्म समाज के हमारे जो पार्षद जीते हुए हैं उनका भी यहाँ लोग सम्मान करेंगे। एक छोटा सा कार्य हम लोगों ने किया है कि डॉक्टर एम पी गोस्वामी जिन्होंने बहुत दिनों तक ब्राह्मण समाज को दिशा और दशा देने का कार्य किया, डॉक्टर गुप्ता मिश्रा जी बहुत बड़ी राष्ट्रपति का पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ था, उन्होंने भी ब्रह्म समाज को एकत्रित करने का प्रयास किया, और बहुत बहुत सारे कार्य उन्होंने बहुत सारी किताबें उन्होंने कि हम सभी का सर घर से उठा वो आज हमारी बच्चा नहीं है। इसमें बरेली से हैं, बाहर से भी कुछ लोग आए हुए हैं जी, हमारे बिजनौर से, गाजियाबाद से, मुजफ्फरनगर से, बेलम से, रामपुर से, बनारस से, इस तरह से बहुत सारे विद्वान लोग हैं वो यहाँ बजा रहे हैं, और निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम से हमारे समाज को एक अच्छी दिशा और दशा प्राप्त होने वाली है, ऐसी कामना के साथ हम लोगों ने आज ही कार्यक्रम।